मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के पहले प्रदेश की महिलाओं को, जिन्हें वे अपनी बहन बताते हैं, राखी के लिए 250 रुपए दिए हैं। प्रदेश भर में चिन्हित की गई लाडली बहना योजना की उन तमाम महिलाओं के खाते में 250 रुपए डाले गए जिनको पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना का लाभ मिल चुका था। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपए की राशि आती है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को इन महिलाओं को 250 रुपए अतिरिक्त दिए। इन 250 रुपए को राखी खरीदने के लिए दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन के दौरान ये बड़ा ऐलान किया। और सुनो मेरी बहनों, अभी 1,000 रुपया महीना मिल रहा है, लेकिन अब राखी का त्योहार आने वाला है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना सब। अब राखी का त्योहार 30 तारीख को आने वाला है, तो राखी पे सब भाई के घर जाओगी कि नहीं जाओगी? अरे बताओ, जाओगी कि नहीं जाओगी? और भाई के घर जाओगी तो भाई के बेटा बेटी कहेंगे, भुआ जी आई है, क्या लाई है? बोलो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे जोर से बताओ ना, कहेंगे। तो पैसे की जरूरत है कि नहीं? अरे इधर भी बताओ और उधर भी बताओ। तो सुनो मेरी बहनों, उसका इंतजाम भी करूंगा। आज अभी इसी क्षण सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूं, ताकि राखी ठीक से मन सके। काय क्लिक, ये सिंगल क्लिक तुम्हारे सामने कर रहा हूं। तुम्हारे बैंक अकाउंट मेरे पास है, आज ही ये पैसे अब तुम्हारे खाते में पहुंचने वाले हैं, ताकि तुम्हारा राखी का त्योहार ठीक ढंग से मन पाए। 300 रुपया 1,000 से अलग है, ये अलग से मिलेंगे। लेकिन मेरी बहनों, मैंने तुम्हें वचन दिया, और वचन ये दिया कि पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, और जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होता जाएगा, वैसे वैसे इस पैसे को बढ़ाऊंगा।